नमस्ते, उपस्थित एक नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक का चेक फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, चेक फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहां पर डेट डालना है, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भरेंगे और बैंक में जमा करेंगे वो डेट डालेंगे। तो यहां डेट लिखना है, यहां मंथ लिखना है और फिर यहां पर आपको ईयर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो पे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दो तीन कंडीशन यहाँ आता है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं खुद, तब तो आपको यहाँ पर सेल्फ लिख देना है। लेकिन अगर आप किसी के नाम से चेक काटने हैं, यानी किसी को देने जा रहे हैं, तो फिर आपको उसका नाम लिखना है। तो फिलहाल मैं किसी को देने ही जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, राकेश कुमार, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया। अब आपको या मुझे क्या करना है कि मुझे रुपए डाल लिखना है। तो मैं 5000 रुपये निकालना चाहता हूं अपने, मतलब उसको देना चाहता हूं, तो मैं फ़िलहाल 5000 रुपये लिखूंगा। लेकिन सबसे आपको यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो आप 5000 रुपये लिखेंगे तो सटा के लिखना है, यानी कि लिखना यहाँ वर्ड में है लेकिन आपको सटा के लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आप 5, ठीक है, 5000 रुपीज, ठीक है, वनली। अब आपको वनली कर देना है और यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे करके लकीर खींच देना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लकीर खींचना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ डिजिट में लिखना है। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आप सटा के लिखेंगे, जैसे कि 5 लिखना है तो यहाँ एकदम से बिल्कुल, जिससे कि इसमें एक भी अंक आना नहीं चाहिए, 5000 आप ऐसे करके और फिर पूरे आपको यहाँ भर देना है, ऐसे करके आप लिखेंगे, तब जाके ये आपको ठीक से हो जाता है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको पुनः एक सिग्नेचर कर देना है। ये जो मेरा नाम है, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरह से जो ये चेक फॉर्म होता है ये फुलफिल हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा या आपको क्या करना है कि इस फॉर्म को पलटना है, और पलटने के बाद आपको यहाँ पर दो सिग्नेचर सेम टू सेम करना है, जैसे वहाँ सिग्नेचर किया था। तो मैं पुनः दो सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चेक आप भरते हैं, दो सिग्नेचर आप पलट करके सेम टू सेम सिग्नेचर आप करेंगे। देखिए, इसे दो सिग्नेचर हो गया, तो ये सिग्नेचर हो गया। अब जिसे भी आप देना चाहें दे सकते हैं, या अगर आप पैसे निकालवाना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का आप चेक भरेंगे। ऐसा करूँगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए।